लोकसभा चुनाव के लिए मुंगेली जिले में मतदान सामग्री वितरण एवं वापसी की तैयारी की फाइनल रिहर्सल यानी मॉक ड्रिल की गई। जिले के कृषि अभियांत्रिकों महाविद्यालय चातरखार में मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान विधानसभा मुंगेली के 279 मतदान केंद्रों और लोरमी के 264 मतदान केंद्रों के लिए 17-17 काउंटर और बिल्हा विधानसभा के अंतर्गत 120 मतदान केंद्र के लिए 7-7 काउंटर बनाकर मतदान सामग्री वितरण एवं वापसी का अभ्यास किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल देव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में मतदान सामग्री वितरण एवं वापसी का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया गया था। कलेक्टर ने कहा कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं स्वीप टोले का, इसके माध्यम से अभिनय करके जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी जनता तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि मतदान क्यों जरूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर मतदान केंद्र में इस बार छाए की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, क्यू मैनेजमेंट की व्यवस्था, वृद्ध दिव्यांगजन, गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से प्रायोरिटी में उनको वोटिंग कराने की व्यवस्था की गई। इन सभी तमाम उपायों से इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि मुंगेली जिले में मतदान का जो प्रतिशत है सर्वाधिक रहेगा अभी तक का, और हर मतदाता के लिए सुखद अनुभव हो, इसके लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। बता दें कि 6 मई को प्रातः 5 बजे से मतदान सामग्री का वितरण किया जाएगा, तो वहीं 7 मई सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।